नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT Master Edition 5G versus Tecno Camon 17 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT Master Edition में 6.27 इंच जबकि Camon 17 Pro में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो GT Master Edition में 2.89 इंच जबकि Camon 17 Pro में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो GT Master Edition में 0.31 इंच जबकि Camon 17 Pro में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि GT Master Edition से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो GT Master Edition में 174 ग्राम जबकि Camon 17 Pro में 210 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि GT Master Edition से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो GT Master Edition में सुपर AMOLED जबकि Camon 17 Pro में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही GT Master Edition में 20:9 जबकि Camon 17 Pro में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT Master Edition में 6.43 इंचेस जबकि Camon 17 Pro में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन GT Master Edition में 1080x2400 और Camon 17 Pro में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT Master Edition में 85.31% जबकि Camon 17 Pro में 84.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT Master Edition में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Camon 17 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT Master Edition में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Camon 17 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो GT Master Edition में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Camon 17 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT Master Edition में Adreno 642L जबकि Camon 17 Pro में Mali-G 76MP4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT Master Edition में Qualcomm Snapdragon 778G और Camon 17 Pro में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो GT Master Edition में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Camon 17 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो GT Master Edition में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Camon 17 Pro में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो GT Master Edition में नहीं है, जबकि Camon 17 Pro में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी GT Master Edition में 4300mAh जबकि Camon 17 Pro में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो GT मास्टर एडिशन में 3 कलर्स जबकि कैमन 17 प्रो में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो GT मास्टर एडिशन में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 25,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 29,200 रुपीस में मिलता है। और बात करें कैमन 17 प्रो की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 21,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme GT Master Edition 5G में 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो कैमन 17 प्रो की तो उसमें 7 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में GT Master Edition आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में GT मास्टर एडिशन आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT 5G है जो कि 37,999 रुपए में मिलता है, दूसरा Oppo Reno 6 है जो कि 31,890 रुपए में मिलता है, तीसरा Realme X7 Max है जो कि 24,999 रुपए में मिलता है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord CE 5G है जो कि 22,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।